सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वीपी स्टडी पॉइंट। तो आज हम हमारा जो चैप्टर कर रहे हैं ये है हमारा बायोलॉजी का, क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर 2, और आज इसका पार्ट 3 है। तो आज हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा से। तो अभी जो किंगडम मोनेरा, इसको ये फर्दर 2 पार्ट्स हैं इसके, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और ये जो हमारा आर्के बैक्टीरिया होता है, ये कौन सा मेथड है, ये मोस्ट प्रिमिटिव मेथड है और इसमें कुछ करेक्टर्स होते हैं यूकेरियोट्स के। इसके अंदर फिर हमारा होता है माइकोप्लाज्म नॉट हैव सेल वॉल। यू बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। एक्टिनोमाइकिटीज साइनाबैक्टीरिया, ये क्या होता है, इसके अंदर जो है बीजी होती है, मतलब बीजी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजी मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटियस प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद है ओमनी प्रेजेंट एंड ऑल्सो ओकर इन हार्श हैबिटेट। हार्श हैबिटेट के अंदर होते हैं ये, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। हिस्टोन्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। सेल वॉल किससे बनती है, अमीनो एसिड प्लस शुगर से। फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है, लिपोप्रोटीन से। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो अब्सेंट होती हैं। राइबोसोम्स होते हैं 70% जिसमें, और फिर हमारा जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जीन रिकॉम्बिनेशन होता है इसमें। और न्यूट्रिशन है जो वो मेजरली हेटरोट्रॉपिक होता है, लेकिन कुछ में ऑटोट्रॉपिक भी होता है। फिर है शेप एंड साइज, जो सबसे पहले यही कांट सी थ्रू नेक्ड आइज, नेक्ड आइज से हम इन्हें देख ही नहीं सकते। 3 to 5 माइक्रोन का होता है, और डिलास्टर फिनोमोंटीज, इट मीन्स स्मॉल बैक्टीरिया, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। और थाइमोरेगेरिटा अमीबिनसिस, ये हमारा लॉन्गेस्ट बैक्टीरियम है। तो हमारे सबसे पहले स्पेरिकल और कोकस बैक्टीरियाज हैं, इस टाइप में होते हैं हमारे मोनोकोकस। इस टाइप में दो जुड़ गए तो ओके डिप्लोकोकस। इस टाइप में ये जब 3-4 जुड़ जाते हैं तो टेट्राकोकस, और ये जो बहुत लंबी चैन बन जाती है तो टेट्राकोकस। ये इधर हमारे 4 हैं, तो ये हो गया हमारा सक्रीना, और ये इधर हमारे बहुत सारे हैं, एक अंगूर के गुच्छे की तरह लग रहे होते हैं, स्टैफिलोकस। फिर आ जाते हैं रोड्स और बैसिलस, इस टाइप का हमारा बैसिलस होता है, ऐसा कोका बैसिलस होता है। ऐसे होते हैं पैलिसेड्स, ये होते हैं डाइप्लोबैसिलस, और ये होते हैं स्पर्म्स फॉर्मम, और ये होते हैं हमारे स्ट्रेप्टोबैसिलस। देन वी हैव फ्लैजिला, ये होता है हमारा मोंटोरिकस, ये होते हैं हमारे सेफेलोट्रिकस, ये होते हैं हमारे एम्फिडिट्रिकस, ये होते हैं लोपोट्रिकस, ये होते हैं पेरिट्रिकस, एंड ये होते हैं एट्रिक्स। तो गाइज, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।